भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए और भस्म आरती में सम्मिलित हुए। आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार को सुबह जल से बाबा महाकाल को स्नान कराया गया और इसके बाद दूध दही घी शक्कर सहित फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया। भांग चंदन ड्राई फ्रूट से दिव्य श्रृंगार किया। इसके बाद भस्म अर्पित की गई। रजत का त्रिपुंड त्रिशूल और चंद्र अर्पित कर शेष नाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला के साथ फूलों की माला भी धारण कराई। फल और मिष्ठान का भोग लगाया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद क्या बोले क्रिकेटर उमेश यादव, सीधे सुनवाते हैं। जय श्री महाकाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं श्री महाकालेश्वर में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मुझे जो यहाँ की आरती और जो यहाँ का वाइब कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ। और सावन के महीने में, मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये मुझे आज ये दर्शन उनके प्राप्त हुए तो मैं काफ़ी आभारी हूँ। और जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। सो जो यहाँ की जो कमेटी है उनका भी मैं आभारी हूँ। और जय श्री महाकाल और भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा यहीं बनाए रखें। जय श्री महाकाल। हाँ बिल्कुल, हाँ भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहेगी कि जो हमारे प्लेयर गए हुए हैं ओलंपिक में अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जीत के लाएँ। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।